हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माधुरी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फूड टेक यूपी में एक बार फिर से स्वागत है। अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के व्रत में जो सोमवार का व्रत है उसमें आप क्या खाएं, और बिल्कुल ही 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। जो आप सादा खाना जो खाते हैं उसको ना खाकर अगर ये व्रत में खाएं आप सेंधा नमक का, तो बहुत ही ईजी बता सकती हूँ मैं आपको। चलिए तो आज मैं बताती हूँ आलू पूड़ी। आलू पूड़ी कैसे बनाते हैं, आलू की सब्जी और पूड़ी। चलिए तो आज हम बनाते हैं व्रत की आलू। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये घी ले लिया है। ये देखिए आप, थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है। ये कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है। आप स्वाद अनुसार आपको जितना तीखा खाना हो उतनी हरी मिर्ची ले सकती हैं। नमक भी ले लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक को। बस इसमें दो ही चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। और ये देखिए मैंने उबले हुए आलू को ये तोड़ कर रख लिया है। डालेंगे और तलेंगे हरी मिर्ची। देखिए दोस्तों गरम हो गया है ये घी। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची डालेंगे। इसे थोड़ा सा हम ढक देंगे जरा सा 1 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्ची अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे।
दही।